नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। जैसा कि सब जानते हैं कि बॉलीवुड में हर साल कई शानदार फिल्में बनती है जो सालों तक दर्शकों के दिलो दिमाग में बेस रहती है। उन फिल्मों के हर किरदार की एक्टिंग दर्शकों को अपना बना देती है। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की भी अहम भूमिका होती है। फिल्मों में इन चाइल्ड आर्टिस्ट के काम को काफी सराहा गया है। सालों बाद यह चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना लेते हैं, लेकिन लोग इन्हें फिर भी नहीं पहचान पाते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी हिट फिल्म के चाइल्ड एक्टर के बारे में जो अब दिखने लगा पहले से बिल्कुल अलग। हम बात कर रहे हैं साल 2001 में ई सनी देओल की सबसे हिट फिल्म में से एक गदर एक प्रेम कथा, सभी को याद होगी। गदर को रिलीज हुए 15 साल हो गए हैं। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में जीते नाम का सनी देओल का बेटा भी था। आज इतने साल बाद वही बच्चा अब काफी बड़ा हो गया है और दिखने लगा है काफी हैंडसम और स्टाइलिश। फिल्म में जीते का किरदार निभाने वाला चाइल्ड डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा हैं। फिल्म के 15 साल बाद उत्कर्ष अब काफी बड़े हो गया है और उन्हें पहचान बना मुश्किल हो गया है। उत्कर्ष अब काफी हैंडसम दिखने लगे हैं और खबरों की माने तो वह जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। उत्कर्ष शर्मा ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, उनकी बेहद कम फोटो सोशल मीडिया या नेट पर मौजूद हैं। उत्कर्ष साल 2015 में परपज और होम नाम की दो शॉर्ट फिल्म बनाई थी। वो इन फिल्मों में बतौर निर्देशक और लेखक काम कर चुके हैं। और अब खबर आ रही है उत्कर्ष शर्मा अपने पिता अनिल शर्मा की ही फिल्म जीनियस से बॉलीवुड में अपन डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है और यह फिल्म साल के अंत तक रिलीज हो जाएगी।